हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी ने कहा कि सर प्लीज़ हिस्ट्री का फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी लाइए, तो मैं आप सभी के साथ फिर से एक बार अपने चैनल एजुकेशन हाइप पे हूँ, माय सेल्फ विपिन सिंह। और बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं हिस्ट्री के सभी फिगर बेस्ड क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ, तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। ठीक, देखिए पहला फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज पे ही है एनसीईआरटी के। ये पर्टिकुलर पिक्चर आपके किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, सभी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूनिटी आ गई है और सभी यूरोपियन कंट्रीज मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर पिक्चर जो आपकी है वो फ्रटर्निटी को शो कर रही है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ, देखिए दिस पिक्चर शो द फ्रटर्निटी अमंग द यूरोपियन अगेंस्ट द डायनेस्टिक पावर। सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके अंदर फ्रेटर्निटी शो हो रही है, ब्रदरहुड, भाईचारा उनके अंदर शो हो रहा है। किसके खिलाफ? मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम के खिलाफ। सेकंड फिगर बेस क्वेश्चन ये देखिए, ये आपका जो ये वाला फिगर है पर्टिकुलर, ये आपकी जर्मन की डायरी है और इसको डिजाइन किया है एंड्रीज रेवमैन ने। एंड्रीज रेवमैन आपका क्या कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा डिजाइनर है जर्मन का, ये भी एक जेकोबिन क्लब्स का मेंबर था और जो ये डायरी उसने डिजाइन की थी, इस डायरी के कवर पेज पे फोर्ड बेस्टाइल शो हो रहा। और फोर्ड बेस्टाइल को क्या कहते हैं, बहुत सारे जो आपके रिवोल्यूशनरी पर्सन थे वो लोग वहाँ पे जाके काफ़ी मतलब दंगे वगैरह कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो फिगर है ये जर्मन की डायरी है और इसको आंद्रेस रेवमैन ने डिज़ाइन किया है। आंद्रेस रेवमैन भी एक जर्मन जैकोबिन क्लब का मेंबर था। थर्ड पिक्चर देखिए, ये आपके कुछ क्या कहते हैं, फ्रेंच जैकोबिन आर्मीज के पीपल्स थे और इन्होंने जर्मनी में ट्री ऑफ लिबर्टी को एस्टैब्लिश किया था। फ्रेंच जैकोबिन आर्मी के मेंबर्स थे ये सब, अपने नेशनल कलर के ड्रेस में, और इन्होंने आपके जर्मनी में ट्री ऑफ लिबर्टी को एस्टैब्लिश किया था। फोर्थ देखिए, ये पर्सन तो बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते हो, इसने बहुत ही क्या कहते हैं इसेंशियल रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं आपके उसमें इटली में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत ही इसेंशियल रोल इसने प्ले किया था, जोसेफी मजीनी। यहाँ पर जोसेफी मजीनी बैठे हुए हैं अपने मेंबर्स के साथ, अपने सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स के साथ बर्न में, और जो सोसाइटी थी वो थी यंग इटली। देखिए ये पर्टिकुलर फिगर जो है, ये पर्टिकुलर फिगर में क्या हुआ था कि जो ऑटोमन अम्पायर था, ऑटोमन अम्पायर पर टर्कीज का शासन था, तो ऑटोमन अम्पायर के जो टर्कीज की जो हुकूमत थी, उन्होंने वहाँ के एक आइसलैंड, चियोस आइसलैंड था, वहाँ पे 20,000 बेचारे मासूम लोगों को मार दिया था। ये सभी जानते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फॉर्म हुआ था आपके सेंट पॉल चर्च में, जैसा आपको सबको पता है। ठीक, नेक्स्ट आपका ये आपका हॉल ऑफ मिरर है। हॉल ऑफ मिरर, यहाँ पे सभी रिवोल्यूशनरीज पर्सन गैदर्ड हुए थे। हॉल ऑफ मिरर आपके वर्साय में था और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोक्लेमेशन यहाँ पे हो रहा था। ये बहुत ही फेमस पर्सन है, एक ग्रेट पर्सनालिटी है, जिन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले किया था। इटली के यूनिफिकेशन में भी इन्होंने रोल प्ले किया था, लेकिन जर्मन के यूनिफिकेशन में इनका सबसे अहम रोल था, ऑटोमन बिस्मार्क। ये दो पर्सन्स हैं जो आपके मतलब सूट बूट में हैं, ये आपके किंग हैं, इनका नाम है विक्टर इमैनुअल सेकंड, और जो उनके नीज पे बैठा हुआ ये है जोसेफी गर्बाल्डी। इन दोनों पर्सन्स ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले किया था, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज थे ये दोनों। ये जैसा कि आप सब जानते हैं एल्गोरी है, जर्मेनिया है, ये जर्मन की एल्गोरी है, जर्मन का नेशनल सिंबल है जर्मेनिया, ये हीरोइज्म और जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है, ये भी जर्मेनिया ही है। ठीक है, सेकेंड पिक ऑफ जर्मेनिया। अब देखिए ये चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया पे हम आ चुके हैं और इसका जो पहला पिक्चर ये है, सारे के सारे सत्याग्रही जो हैं वो बायोकॉट कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लॉथ्स को, वो सब क्या कर रहे हैं, बायोकॉट कर रहे हैं। ठीक, ये सभी को पता है चौरी चौरा कांड 1922 फरवरी में हुआ था गोरखपुर में, जिसके बाद आपके महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो ये पर्टिकुलर पिक्चर उस इंसिडेंट की है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉल्ड ऑफ के पीछे रीजन था, चौरी चौरा कांड गोरखपुर। ये फिगर आप सबको पता है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर डांडी मार्च तक एक यात्रा की थी अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ। ये पर्टिकुलर यात्रा महात्मा गांधी ने, ये पर्टिकुलर मार्च महात्मा गांधी ने 12 मार्च को शुरू किया था और 6 अप्रैल को वो डांडी, जो कि गुजरात का कोस्टल प्लेस था, वहां पहुंच के उन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो ये पिक आपके डांडी मार्च की है। ये पिक देखिए आप लोग, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान वुमेन पार्टिसिपेशन को शो करता है। दिस पिक्चर डिपिक्ट द वुमेन पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे बाल गंगाधर तिलक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सन थे ये। ये भारत माता की पिक्चर है, ये डिज़ाइन की थी आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, देखो लिखा भी है मैंने,
वी ऑल नो दैट हु इज ही, हम सब जानते हैं कि ये कौन है। ही टुक अ बुक इन टुक अ बुक इन हिज हैंड, इन्होंने अपने हाथ पे किताब ली, और ये किताब है हिंद स्वराज। और इस किताब के जो कवर, इस किताब के कवर पेज पे जो फोटो है वो भारत माता की है। ये भी भारत माता, और ये पिक्चर भी आपके अवरिंद्रनाथ टैगोर ने ही डिज़ाइन की थी। ठीक, अब देखिए चैप्टर थ्री का भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन कवर हो गया। अब चैप्टर हम आ गए हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पे, और इसका फिगर बेस्ड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये शो, पहला जो फिगर है सॉरी, वो ये शो करता है सिल्क रूट को। दिस इमेज डिपिक्ट अ फेमस एंशियंट ट्रेड रूट विच नोन एज सिल्क रूट। ये देखिए स्टारवेशन, बेचारे जो आपके आयरिश पीपल थे वहां पे क्या था कि डिजीज फैल गई थी। डिजीज फैलने के बाद जो वहां के लोगों का स्टेपल डाइट हुआ करता था पोटैटो, तो पोटैटो में भी डिजीज फैल गई थी, तो पोटैटो वहां का स्टेपल डाइट था, तो वहां के लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे स्टारवेशन से। ये पिक्चर आपके स्टारवेशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम पोटैटो डिजीज को डिपिक्ट करती है। ठीक, ये देखिए ये एक शिप है जो आपके मीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहा है। आपको पता होगा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में कि पहले क्या था कि गोड्स वगैरह को वो लोग क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर ले जाते थे, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, मीट्स के दाम बहुत ज़्यादा हाई होते थे, पुअर सेक्शन ऑफ पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो बाद में आपके टेक्नोलॉजी के आने के बाद क्या हुआ कि जब रेफ्रिजरेशन शिप्स बन गई तो अब गोड्स को कट करके उनका मीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता था सप्लाई के लिए, लोग को फीड करने के लिए। ठीक, ये देखिए इंडेंचर लेबर्स जो थे वो माइन फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं। ये पिक्चर शो कर रही है कि जो इंडेंचर लेबर्स थे बेचारे वो सब आपके माइनिंग फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं। ये भी इंडेंचर लेबर्स हैं, ये प्लांटेशन फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं। ये आपके इंडेंचर लेबर्स हैं, ये होते थे आपके इंडेंचर लेबर्स बेचारे, बंधुआ मजदूर इनको कहते थे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनसे कार्य कराए जाते थे। ठीक है, एजेंट्स क्या होता था, इनसे फॉल्स प्रॉमिसेस फॉल्स इन्फॉर्मेशन इनको देते थे कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होगी, रहना खाना सब आपको बहुत, एकोमोडेशन फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी आपको मिलेगी। लेकिन बेचारे ये लोग अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए जब उन जगह पर जाते थे वर्क करने, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई रहती ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक, तो इसलिए इनको बंधुआ मजदूर भी बोला जाता था। देखो ये वो बॉन्ड है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जो आपके इंडेंचर लेबर्स के बीच और एजेंट्स के बीच में साइन होता था। ये देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान मास प्रोडक्शन हो रहा था वेपन्स का, जो आपके एलाइज पार्टी थी, एलाइज पार्टी आपके सेंट्रल पार्टी को हराने के लिए मास प्रोडक्शन कर रही थी वेपन्स का। तो ये पर्टिकुलर पिक्चर ये शो कर रहा है मास प्रोडक्शन ऑफ वेपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये देखिए आप सबको पता था ना कि वो जो हमारी यूएसए थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के पहले वो इंटरनेशनल डेटस थी, और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद वो इंटरनेशनल क्रेडिटर बन जाती है। क्यों? इसके पीछे बहुत सारा रीज़न था। जो एक मेन रीज़न था वो ये था कि आपके यूएसए ने वर्ल्ड वार फर्स्ट में उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया था, और उसने मास प्रोडक्शन पे फोकस किया था। यूएसए की एक बहुत ही फेमस कार कंपनी थी जिसका नाम था फोर्ड कंपनी, उसने फोर्ड कार का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया था। तो ये पिक्चर शो कर रहा है मास प्रोडक्शन ऑफ फोर्ड कार बाई फोर्ड कंपनी। ठीक, अब देखिए ये एक होटल है, इस होटल का नाम है माउंट वाशिंगटन। ये होटल आपके यूएसए में था, और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इसी होटल में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक, देखिए हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं, और देखिए ये जो पहला फिगर है इसमें दिखा रहे हैं कि एक वुमेन एक ऑर्डिनरी स्पिनिंग मशीन से किस तरीके से यान बना रही है। ठीक, यान को वो बना रही है एक ऑर्डिनरी स्पिनिंग मशीन से। ये आपका स्पिनिंग मशीन का मॉडल है जो कि किसने डिज़ाइन किया था, टी ई निकोलसन ने इस पर्टिकुलर गिनी मशीन को, स्पिनिंग गिनी मशीन को डिज़ाइन किया था। ठीक, ये एक बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन थे जिनका नाम था जमशेदजी जीजोबॉर। इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियल एम्पायर क्रिएट किया था। तो ये बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, इनका नाम था जमशेदजी जीजोबॉर। ओके, ये भी एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, ये डायमंड सूत्रा, जापान की जो सबसे ओल्डेस्ट और फेमस बुक थी डायमंड सूत्रा, उसी का एक पेज है। ठीक, उसके पेज का ही एक ये फिगर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रिंटिंग के इन्वेंशन के बाद ऐसा सब मान रहे थे कि जो गॉड और गॉडेस थी वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। प्रिंटिंग के इन्वेंशन होने के बाद गॉड और गॉडेस भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो ये पिक्चर ये डिपिक्ट कर रहा है गॉड एज गॉडेस वर सो हैप्पी ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ये पर्टिकुलर पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्टिकुलर पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस की कंडीशन 1789 के पहले। फ्रांस की कंडीशन कैसे थी, तो 1789 के पहले फ्रांस की कंडीशन ये थी कि नॉवेल्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और कॉमन पीपल्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो ये फिगर आपका यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पिक्चर, ये बहुत ही फेमस किताब, बहुत ही फेमस बुक है एंशियंट टाइम की, रिंग वेदा, उसी का एक ये पेज है। पार्चमेंट में इसमें कुछ स्क्रिप्टेड किया गया है।
ये एक बहुत ही फेमस पिक है जो आपके राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो प्रिंस ऋतुध्वज थे वो मलदशा एक प्रिंसेस थी, उनको क्या कहते हैं उनके शैतानों की कैद से आजाद कराने आए थे। ठीक, ये पिक्चर आपके वेस्टर्न कल्चर को शो कर रहा है कि ऐसा ना हो कि वेस्टर्न कल्चर पूरे के पूरे इंडियन सोसाइटी को डोमिनेट कर ले, ठीक, और यहाँ का जो कल्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए। तो ये पिक्चर आपके फियर ऑफ वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पिक्चर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हो रहा है कि एक जो वाइफ मतलब जो हस्बैंड है उसके शोल्डर पे उसकी वाइफ बैठ गई है, और वो हस्बैंड अपनी वाइफ के की बात मान रहा है और अपनी मदर को एक एनिमल की तरह ट्रीट कर रहा है। दिस पिक्चर डिपिक्ट द हस्बैंड वाज टोटली डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ एंड ही इज क्वेल टुवर्ड्स हिज मदर, ट्रीट हर लाइक अ एनिमल। ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर दिखा रही है आपके ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फैमिली को, जिसमें एक बाबू साहब वगैरह हुआ करते थे और उनको क्या कहते हैं वो गिलास लिए रहा करते थे, नौकर चाकर उनको दारू दे रहे हैं वो पी रहे हैं, और भी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपके संगीत वगैरह मतलब जो वायलिन वगैरह हैं वो सब बजा रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फैमिली को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे के पूरे आपके क्या कहते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आना, एक नंबर का आपका यहाँ से आएगा और एक नंबर का जो मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे सिविक्स के फिगर बेस्ड क्वेश्चन से। तो ये आई थिंक आप सभी का पूरा क्लियर हो गया होगा। 2 से 3 बार अगर आप वीडियोज को देखेंगे तो आई थिंक आपके पूरे कॉन्सेप्ट पूरे फिगर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।